29 मार्च नूं पंजाबी यौमे सिया मनाउंदे ने। यौमे सिया क्यों मनाउंदे ने, इहदे पिछे की गल है, किहड़ी वजह है, और क्या साडे पंजाबियां नूं इस हवाले नाल जानकारी है या नहीं है। इह एक लंबी बहस है जिहदे लई सानूं तुहानूं जिहड़े साडे इंटलैक्चुअल्स पंजाबी ने, मेरे वर्गे जिहड़े जूनियर ने उहनां नूं या जिहड़े सीनियर्स ने साडे पंजाबी, उहनां नूं चाहीदा है कि उह सोशल मीडिया राहीं या किसी न किसी तरीके किसी न किसी प्लेटफॉर्म के उत्ते इस हवाले नाल लोगों नूं अवेयर करन। रणजीत सिंह दे जिउंदिआं जी, क्योंकि गोरा जिहड़ा अंग्रेज़ है वह पंजाब के उत्ते कब्जा नहीं कर सकिया। जिस वेले रणजीत सिंह फौत हो गया, मर गया, उस तों पिछे अंग्रेज़ ने पंजाब के उत्ते कब्जा कर लिया, पर जिस वेले उन्हें कब्जा किया तो उस तों पिछे फिर उन्हें जिस वेले वेख्या कि पंजाब का जिहड़ा एजुकेशन सिस्टम है, पंजाब का जिहड़ा निज़ामे तालीम है, वह बहुत वधिया है, वह बहुत बेहतरीन है। पंजाब दे विच जिहड़ी एजुकेशन रेशियो सी 80-90% के नेड़े सी, औरतों की जी एजुकेशन रेशियो सी वो बहुत वधिया सी। रणजीत सिंह ने एक सिस्टम रखा हुआ सी, कोई वो गुरुद्वारा नहीं बनाउन दिंदा सी, कोई मसीत नहीं बनाउन दिंदा सी, कोई वो मंदिर नहीं बनाउन दिंदा सी। जितनी देर तक के मंदिर गुरुद्वारा या मसीत बनाउन वाले वादा नहीं करते सन कि असीं इहदे नाल ही एक स्कूल बनावांगे जिहदे विच दुनियावी तालीम जिहड़ी है वह भी लोगों नूं बच्चों नूं असीं देवांगे। यही वजह है कि पंजाब दा एजुकेशन सिस्टम बहुत वधिया होया। इस तों पिछे फिरे कि रणजीत सिंह ने एक पंजाबी कायदा जिहड़ा वह बनवाया स्पैशली, वह पंजाबी कायदा हर पंजाबी दे उत्ते पढ़ना और 100% फर्ज किया गया ताकि हर पंजाबी जिहड़ा वह कम अज़ कम खत लिख सके, खत पढ़ सके। पढ़िया लिखा पंजाबी होना बहुत जरूरी सी। यही वजह सी कि हर पंजाबी तकरीबन सियालकोट की तुसी आज भी हिस्ट्री जाके पढ़ लो, सियालकोट 100% पढ़िया लिखा सिटी सी, पढ़िया लिखा शहर सी। रणजीत सिंह के दौर दे विच भी होर भी कई पंजाब दे शहर गोठ पिंड इस तरह के सन जिहड़े पढ़े लिखे सन। जिस वेले गोरे ने पंजाब दे उत्ते कब्जा किया, उन्हें फिर इस तरह किया कि जिहड़े पंजाबी मुजाहमतकार सन उन्हां नूं उन्हें कहा कि अपना असला जमा कराओ, और जो रिवार्ड अपना असला जमा कराउण ते उन्हां नूं दित्ता जांदा सी उहदा डबल रिवार्ड जिहड़ा वह पंजाबी कायदा या पंजाबी किताबां पंजाबी सिलेबस गोरा सरकार नूं जमा कराउण ते उह उन्हां नूं देंदे सन। फिर जिस वेले पूरे पंजाब तों पंजाबी कायदे पंजाबी सिलेबस इकट्ठा किया गया तो फिर वह एक वड्डे मैदान दे विच जमा करके 29 मार्च नूं गोरा सरकार ने साड़ के सुआह कर दिते। उस तों पिछे फिर पंजाब दा जिहड़ा एजुकेशन रेशो है वह कदी ज़्यादा उत्ते नहीं जा सकी, बहुत वधिया नहीं हो सकी, क्योंकि गोरे ने फिर अपना एक निज़ामे तालीम एक नाकस निज़ामे तालीम पंजाब दे विच मुतारफ करवा दिता ताकि पंजाबी जिहड़े ने वह तरक्की ना कर सकन, पंजाबी वधिया एजुकेशन दे नाल अगे ना जा सकन। हालांकि लोगों को पता है कि दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी टैक्सला के नेड़े टैक्सला दे विच पंजाब दे विच है, लेकिन इसके बावजूद वेखो कि अज पंजाबियों का जिहड़ा निज़ामे तालीम नाकस होने की वजह तो एजुकेशन रेशो बहुत घट है, औरतों की तो ना होने के बराबर बहुत घट है, मर्दों तो भी घट है। साड़ी जिहड़ी कौम है उन्हूं इस हवाले नाल जानकारी देने लई इह देखो साढ़े जिहड़े मीडिया इत्थे लगा होया, अरशद भाई मैं तुहानूं आखांगा कि मीडिया भी दिखाओ, ये टी वी चैनलों के मुख्तलिफ इत्थे कैमरे भी लगे ने, मीडिया भी लगा हो, कोई सरकारी जलसा हुंदा है, कोई सरकारी कट हुंदा है, वो तो सारा मीडिया जिहड़ा वो लम्हा ब लम्हा दिखाउंदे ने। लेकिन जिस वेले साढ़े को पंजाबियों का मसला आता है, साढ़े को पंजाबियों का कोई त्यौहार आता है, साड़ी विसाखी देखो कितने टुर गई, साडा जिहड़ा कल्चर त्यौहार है जिहड़ा साडा रहतल त्यौहार वो कितने टुर गया, लेकिन कभी भी इस मीडिया ने लोगों को नहीं दिखाया। ये मीडिया के भी पंजाबी मीडिया होना बहुत जरूरी है जिहड़ा पंजाबी कौम को ये सारी जानकारी दे। और 29 मार्च को पंजाबियों काला त्यौहार है, तुम भी अपना सोशल मीडिया के उत्ते जिते जिते जो भी प्लेटफॉर्म है तुहाडे कोल उत्थे इस गल की चर्चा लाजमी करो कि असी बतौरे पंजाबी 29 मार्च को काला त्यौहार मना रहे हैं।